हेलो एवरीवन आज का ये अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सितंबर जिन स्टूडेंट्स ने फाउंडेशन का एग्जाम दे लिया और रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स का जिनका इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम सितंबर 2025 में होने वाला है उनके लिए न्यू लॉडिट एस के बैचेज आने वाले हैं तो वो पूरा डिटेल्स मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ इट इज़ फॉर सेप्टेम्बर ट्वेंटी एग्जाम फर्स्ट ऑफ ऑल सारी बातें बताऊंगा टाइमिंग वगैरह सब एक एक करके सब स्टार्ट करते हैं मेरे वेबसाइट पर आप जाओगे सिद्धार्थवल वहीं पर ये शुरू में जो आपको सारे के सारे क्लासेस और लेक्चर्स दिख रहे हैं ये जैन और मे 2025 के हैं फिर आप नीचे जाओगे ये देखो अलग से आपको मिलेगा इंटर सितंबर 2025 ये रहे ठीक है इसमें लॉ ऑडिट एसएम और लॉ ऑडिट एसएम के जो अलग अलग कॉम्बोज हैं दो डबल फीस स्ट्रक्चर है सब आप देख सकते हो सब आपको क्लियर दिखाई देगा दर आर टू फीस स्ट्रक्चर आई एल गिव यू वन एग्जाम्पल सबसे पहले फीस बता देता हूं मैं जैसे आप देख रहे हो लॉ सेप्टेम्बर 2025 के लिए जो नया बैच होगा लॉ का उसमें दो अलग अलग लेक्चर्स आपको दिख रहे हैं दोनों की फीस अलग है एक की फीस है सेवन थाउजेंड नाइन नाइन्टी दूसरे की है नाइन थाउजेंड नाइन नाइन्टी तो इनमें फ़र्क क्या है एक चीज़ का फर्क है बस एक चीज़ का एंड दैट इज द वैलिडिटी पीरियड ठीक है जैसे जो स्टूडेंट्स भी क्लासेस देते हैं चाहे लाइव लें चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी लें उनको एक की प्रोवाइड होती है कि घर में भी आप क्लासेस देखते हो तो घर में जो क्लासेस मिलती है ना उसकी वैलिडिटी पीरियड होती है तो वो इस वाले की है सिक्स मंथ्स और उसकी है ट्वेल्व मंथ्स बस ये वैलिडिटी पीरियड के अलावा और कोई फर्क नहीं है सेम है वैलिडिटी पीरियड हर स्टूडेंट की अपनी मर्जी का होता है एक स्टूडेंट चाहता है कि सर एग्जाम के दिन तक मैं चाहता हूं कि आपकी क्लासेस मेरे पास रहे मैं देख सकता हूं तो आप ट्वेल्व मंथ्स की लो और एक स्टूडेंट बोलता है नहीं सर मैं तो छह महीने के अंदर ही क्लास देकर कंप्लीट कर दूंगा तो आप छह महीने वैलिटी की लो वैलिडिटी पीरियड के अलावा कोई फ़र्क नहीं है सेम बुक्स सेम क्लासेस सेम नंबर ऑफ आवर्स सेम एक्सप्लेनेशन सेम कंटेंट सेम एवरीथिंग द ओनली डिफरेंस वैलिडिटी पीरियड यहाँ छः महीने वहाँ बारह महीने उसका कोई और फ़र्क नहीं है ठीक है वैलिडिटी पीरियड में ऐसा होता है कि आप जब परचेस करते हो वहां से स्टार्ट नहीं होता क्लास आपने परचेस कर ली उसके बाद जब आप क्लास के की को एक्टिवेट करते हो अपने सिस्टम में वहां से सिक्स मंथ्स या ट्वेल्व मंथ्स की वैलिडिटी स्टार्ट होती है अब अगर कोई स्टूडेंट जिसने सिक्स मंथ्स का लिया और मान लो वो ख़त्म नहीं कर पाया और वो चाहता कि सर सिक्स मंथ्स बाद मेरा फिर से एक्सटेंड कर दो तो एक्सटेंशन करवा सकते हो एक्सटेंशन के चार्जेस होते हैं फाइव हंड्रेड रुपीज़ पर मंथ तो आप एक्सटेंड करवा सकते हो ठीक है वो ऑप्शन भी आपको रहेगा तो प्लीज़ सोच समझ के लो सिक्स मंथ्स या ट्वेल्थ मंथ्स जिसको जैसा पसंद है वैसा ले सकता है एज आई सेड द एंटायर क्लासेस बुक्स एंड कॉन्टेंट इज सेम द ओनली डिफरेंस इज वैलिटी पीरियड इसके अलावा कुछ नहीं है एक बात और बता देता हूँ जैसे एक्सटेंशन जो होता है ना वो मैक्सिमम दो बार हो सकता है उससे ज्यादा नहीं फॉर एग्जाम्पल आपने छह महीने वाली क्लास दी छ महीने खत्म होने वाले हैं आपको चाहिए सर प्लीज एक महीना और एक्सटेंड कर दो हो गया नहीं हो पाया फिर और एक महीना एक्सटेंड कर दो हो गया बस दो बार एक्सटेंशन होगा उसके बाद नहीं तो इसीलिए प्री डिसाइड कर लो कि कैसे कैसे खत्म करना है एंड अकॉर्डिंगली तुम सिक्स मंथ्स या ट्वेल्व मंथ्स ले सकते हो मैं फिर से बता देता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट घबराते हैं कि सर मैं वो नाइन नाइन नहीं लेना चाहता मैं तो सेवन थाउजेंड वाला लेना चाहता हूँ ले सकते हो वेल्टी पीरियड के अलावा कोई फ़र्क नहीं है सर सब कुछ सेम रहेगा लॉ में भी ऐसे ही है ऑडिट में भी इसी तरह की है फी स्ट्रक्चर लॉ ऑडिट कॉम्बिनेशन जो लॉ ऑडिट कॉम्बो होता है उसमें भी इसी तरह से डिफरेंस है फिर सबसे बेस्ट है लॉ ऑडिट एस का कॉम्बो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मैं एक नंबर पढ़ाता हूं और बहुत कम फीस है उसकी अगर आप लॉ ऑडिट देखो जैसे ही तुम लॉ ऑडिट कॉम्बो लेते हो ना तुम्हारी फीस कम हो जाती है और उसमें तुम अगर लॉ ऑडिट एस एम कॉम्बो कर देते हो ना सिर्फ वन थाउजेंड एक्स्ट्रा देके यू गेट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिर्फ वन थाउजेंड तुम देखो लॉ ऑडिट एस का कॉम्बो फीस क्या है मैं लोएस्ट वाला फीस दे रहा हूँ जो छः महीने एल्टी वाला है 15,990 और और जो law combo वाला फीस है 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 वो कितना 14,990 सिर्फ 1,000 का रहता आपको strategic management भी पूरा मिल जाता है। एक नंबर है 50 मार्क का फुल वन बुक 100% परसेंट कवरेज क्वेश्चन आंसर सब कुछ सोल्व क्लास में डिस्कस होता है मेरे स्ट्रेटिक मैनेजमेंट का भी मैराथन डाला हुआ है मैंने लॉ ऑडिट तीनों सब्जेक्ट का फुल चैप्टर वाइज और महा मैराथन ऑलरेडी अपने यूट्यूब प्ले चैनल प्ले लिस्ट में डाल रखा है यूट्यूब चैनल में तुम जाके चेक भी कर सकते हो कि बुक कैसी होती है सर के पढ़ाने का स्टाइल क्या मैं एक्सप्लेन कैसे करता हूँ प्लस उसके अलावा मैंने डेमो क्लास भी डाल रखा है क्या कि मैराथन तो फास्ट होता है तो अपने को तो रेगुलर क्लास का एक डेमो चाहिए तो लॉ ऑडिट और एस के मेरे डेमो क्लासेस भी आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा किस तरह का पढ़ाना होता है ठीक है तो क्वालिटी के मामले में ज़रा सा भी संशय नहीं है तो ये हैं सारे अलग अलग फ़ी स्ट्रक्चर तो सबसे पहली चीज़ जो नए बैचेस के बारे में बता दूँ ये सितंबर 25 के बैचेस हैं ये रहा फीस स्ट्रक्चर ये आपके सामने है तो मेरे वेबसाइट पे जाओगे सिदातर क्लासेज डॉट कॉम चालू होते शुरू में ये वाला पोर्शन आएगा ये है जैन में 25 के लिए और ये है सेप्टेम्बर ट्वेंटी फाइव के एग्जाम्स के लिए इसके अलावा सी ए फाइनल ऑडिट भी है अलग से वो तो सी ए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए होता है और सी एम ए इंटर लॉ टोटली डिफरेंट है सी एम ए इंटर लॉ का मैं अनाउंसमेंट कल डाल चुका हूँ वो डिफरेंट है एकदम वो मिडिल नवंबर से बैच चालू होगा टोटली डिफरेंट सी एम ए इंटर की क्लासेज दो बजे होंगी और एकदम अलग होंगी वो सी ए इंटर के साथ मिक्स हो नहीं होने वाली ये भी नया बैच है पूरा तो फर्स्ट थी जो बात करनी थी वो तो मतलब अलग अलग लेक्चर्स और फीस के बारे में सेकेंड सर वेन आर द बैचेज गोइंग टू स्टार्ट वेन आर द गोइंग टू एंड फाउंडेशन के रिजल्ट मेरे हिसाब से अक्टूबर के लास्ट में आ जाएंगे क्योंकि 20 सितंबर को हुआ था फाउंडेशन खत्म तो अक्टूबर के एक महीने में आ जाता है रिजल्ट तो अक्टूबर एंड तक फाउंडेशन के रिजल्ट आएंगे जैसे रिजल्ट आते हैं विद इन अ वीक आई विल स्टार्ट माई न्यू लाइव बैचेज मतलब आप समझ लो अराउंड फर्स्ट ऑफ नोवर ठीक है नए लाइव बैचेज चालू हो जाएंगे अपने ठीक है अब ख़त्म कब तक होता है बैच ड्यूरेशन जो है पहले मैं बता देता हूं ऑल्टरनेट डेज करके होगा फोर डेज लॉ फोर डेज ऑडिट ठीक है पढ़ाने का टाइमिंग क्या होगा क्योंकि इंटर के स्टूडेंट को सबसे बड़ी टेंशन होती है सर रूटीन क्या बनाऊं मैं अपना दिन में पढ़ने का तो मैंने दो अलग अलग ऑल्टरनेटिव टाइमिंग ऑप्शन आपको दिए हैं ठीक है स्टूडेंट्स लोग तो अपना टाइमिंग ऐसा रखना चाहते हैं कि सब सब्जेक्ट कवर हो तो मैं बता देता हूँ लाइव अगर आपको करना है ऑफलाइन सेंटर पर आकर या लाइव एट होम करना है अपने घर पर बैठ के लाइव करना है तो मॉर्निंग 8 ए एम ठीक है 8 ए एम डेली क्लास चलेगी डेली मॉर्निंग 8 ए एम से लेके 10:30 ए एम ये लाइव क्लास है लाइव ऑफलाइन लाइव ऑनलाइन और ये इसी का बैकअप जीडी में चढ़ेगा शाम को पांच बजे ठीक है तो जो स्टूडेंट्स लाइव कर सकते हैं उनके पास मौ, मौका है टाइमिंग है तो आप आठ बजे कर लो सुबह आठ बजे एकदम क्लैशिंग टाइम नहीं है वो अकाउंट कॉस्ट एफएम से क्लैश नहीं करता है तो आठ बजे आप आराम से लॉर्ड एस कर सकते हो आपका 250 फिफ्टी मार्क का थ्योरी 600 हंड्रेड में से टू फिफ्टी मार्क का थ्योरी धनाधन दन मेरे साथ सवेरे सवेरे लाइव डिसिप्लिन से होता जाएगा लेकिन सपोज आठ बजे नहीं कर सकते तो ठीक उसी दिन शाम पांच बजे तुम कर सकते हो जो क्लास में सुबह आठ से साढ़े दस दूंगा वही क्लास जीडी में आ जाएंगी शाम को पांच बजे तो आप चाहो तो पांच बजे भी, भी कर सकते हो डेली इवनिंग आप अपना थ्योरी के लिए डिवोट करो लॉ एड एसएम के लिए फाइव टू सेवन थर्टी वो जीडी में आ जाएगा फाइव पीएम आप घर में अपने क्लास कर सकते हो तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं लाइव एट एट ए एम जी डी एट फाइव पी एम क्लासेस कितने मोड में अवेलेबल है एक है लाइव एट सेंटर जिसको हम लोग फेस टू फेस ऑफलाइन बोलते हैं मैं लाइव पढ़ाता हूँ हर बार दूसरा होता है लाइव एट होम जब मैं लाइव एट सेंटर पढ़ाता हूँ वहीं पर लाइव एट होम में क्लासेस जाती हैं और स्टूडेंट लोग मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं तीसरा होता है गूगल ड्राइव मतलब क्लासेस आज हुई और आज की आज ही वो शाम को पांच बजे गूगल ड्राइव पे आ जाएंगी तो आप घर से शाम को पांच बजे क्लास देख सकते हो लैपटॉप या मोबाइल ऐप जो आपको पसंद है उसमें से एक ऑप्शन आप चुन सकते हो और मतलब थिंक केयरफुली मेरे हिसाब से तो लैपटॉप सबसे बढ़िया होता है बड़ी स्क्रीन में क्लास करना पर सबकी अपनी अपनी पसंद है मोबाइल ऐप चाहते हो तो मोबाइल ऐप हो जाएगा तो दोनों में से जो भी एक मोड है वो चूज़ करना पड़ेगा ओके तो लाइव एट एट एम एंड जी डी एट फाइव पी एम. तो दो टाइम स्लॉट आपके एकदम परफेक्ट मैंने रखे हैं कि इसमें आप पूरा अपना टू फिफ्टी मार्क का थेरी कर सकते हो क्लासेस सर कैसे होने वाली है मतलब लॉ की कब ऑडिट की कब अब जैसे सवेरे सात दिन होते हैं इन अ वीक देर आर सेवन डेज तो चार दिन लॉ चार दिन ऑडिट सर वो कैसे संडे को दो क्लास होगी संडे को आठ बजे एक स्लॉट रहेगा और संडे को ग्यारह बजे भी एक लाइव स्लॉट रहेगा ठीक है तो मतलब सपोज मान लो फॉर एग्जाम्पल लॉ लॉ की टाइमिंग्स है लेट से ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे एट एम एंड संडे इलेवन ए एम और ऑडिट किया मंडे वेडनसडे फ्राइडे संडे एट एम या वाइस वर्सा सपोज अगर मंडे वेडसडे वा फ्राइडे वाले शॉर्ट में लॉ हो रहा है तो ऑडिट ट्यूजडे थोड़ा सैटरडे में होगा वैसे और संडे को दो क्लास एक लॉ और एक ऑडिट एक आठ और एक ग्यारह तो ऐसे करके हर हफ्ते हम लोग चार क्लास लॉ चार क्लास ऑडिट चार क्लास लॉ चार क्लास ऑडिट ऐसे करते जाएंगे फोर मंथ्स के अंदर ये खत्म होगा और उसके बाद एस ठीक है ना ओके okay. एस में टोटल पंद्रह क्लासेस है तो आप जी डी भी परचेज कर सकते हो तो एकदम बेस्ट है कोई चेंज ही नहीं है क्योंकि एंड मोमेंट में जब होता है तो स्टूडेंट लोग चाहते हैं कि नहीं सर हम जी में कर लेंगे तो ठीक है जी में कर लो आपकी इच्छा है ओके okay? और पूरा ये लाइव स्टॉट चलेगा चार महीने तक का कोर्स है नवंबर दिसंबर जनवरी फेबररी बाई फेबररी एंड और लेटेस्ट आप मान लो वन ये सेवेंथ ऑफ मार्च बस लेटेस्ट अब मान के चलो सेवनथ ऑफ मार्च के आसपास तक मतलब चार सवा चार महीने में पूरा ख़त्म फुल 250 फिफ्टी मार्क का थे खत्म तो अभी मैंने तुम्हारे साथ ये फी स्ट्रक्चर वेबसाइट पर डिस्कस कर दिया टाइमिंग्स डिस्कस कर दिया लाइव एट ए टी एम जी एट फाइव पी क्लास का ड्यूरेशन 2 आवर 30 मिनट्स का होता है जिसमें ब्रेक शामिल है तो मतलब क्लास होगा टू आवर फिफ्टीन मिनट्स का और दस मिनट का ब्रेक होगा ये होता है बुक्स लॉ में चार बुक्स मिलेंगी दो मतलब थ्योरी बुक है कलर्ड और दो सॉल्व क्वेश्चन बैंक है विथ एम सी क्यू सॉल्व ऑडिट में भी चार बुक मिलेंगी दो थियोरी बुक है कलर्ड एंड दो सॉल्व क्वेश्चन बैंक है ठीक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक बुक मिलेगा और वो अपने आप में हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सिलेबस छोटा होता है पांच चैप्टर्स उसी के साथ क्वेश्चन एम सी क्यू सॉल्व सब कुछ है जो क्लास में डिस्कस होता है लॉ में सर टोटल कितनी क्लासेस होगी सेवेंटी के आसपास ऑडिट में कितनी होगी सेवेंटी के आसपास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पंद्रह वन फाइव फिफ्टीन क्लासेस ये टोटल है ठीक है ये टोटल क्लासेस का स्ट्रक्चर है टाइमिंग्स क्लियर है टोटल क्लासेस क्लियर है फीस वगैरह क्लियर है बुक्स क्लियर है आई थिंक आई हैव क्लैरिफाइड ऑल योर डाउट्स ओके तो एक बात याद रखना ये इलेवन टवेल्व नहीं है ये फाउंडेशन नहीं है ये इंटरमीडिएट है इलेवन टवेल्व फाउंडेशन और स्कूल में हम लोग का हमेशा ये एटीट्यूड होता है कि थ्योरी तो मैं जैसे तैसे कर लूंगा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है और स्कूल में होता भी ऐसा ही कि स्कूल में आप पढ़ाया भी नहीं जाता ढंग से थ्योरी और जैसे तैसे आप दे लो आपके नंबर भी नाइन्टीज़ में आ जाते हैं इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं होने वाला बॉस सी इंटर में अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी घटिया तरह से पढ़ पुढ़ा के आप एग्ज़ाम देने गए तो मार्क्स भी वैसे ही आएंगे पंद्रह बीस पच्चीस चालीस इसी तरह के मार्क्स आएंगे यहाँ पर जितना एफर्ट तुम प्रैक्टिकल में देते हो उतना एफ़र्ट तुमको थ्योरी में दोगे तो भयंकर नंबर आएंगे इनफैक्ट आई विल टेल यू कि द थियरी सब्जेक्ट्स ऑलरेज विल रिक्वायर लेस एफर्ट फ्रॉम योर साइड एंड मोर एफर्ट फ्रॉम माई साइड क्योंकि यहाँ मुझे पूरा एनर्जी के साथ दमादम पढ़ाना है तुमको कंसेप्ट क्लियर करना है तुमको याद करवाना है मेरा एफर्ट ज़्यादा है तुम्हारा कम है कम एफर्ट में भी तुम बहुत जबरदस्त मार्क्स ला सकते हो इन पेपर्स में सो इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू क्लियर योर सी एंट्री एग्जाम्स इन फर्स्ट शॉट और यू आर प्लानिंग टू गेट अ रैंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम थियरी को सीरियसली लो और अच्छी तरह से मेरे साथ क्लासेस करो मैं पूरे डिसिप्लिन से क्लासेस कराता हूँ मेरे यहाँ कोई फालतू की छुट्टी नहीं होती मैं क्लियर मैं अगर मैं बीमार हूँ तो बात और वरना मैं हर हाल में क्लास देता हूँ और एकदम डिसिप्लिन से अगर लाइव मेरे साथ करोगे तब तो और अच्छा है कि सुबह सुबह एट एट ओ क्लाक की तो मेरे साथ जुड़कर डिसिप्लिन से हो गया अगर आठ बजे का टाइमिंग नहीं हो पा रहा तुमसे लाइव किसी वजह से कॉलेज है ये वो है तो शाम को पाँच बजे धर्म से कर लो सेम डे सेम क्लास चढ़ जाएगा ठीक है तो आठ बजे जो मैं क्लास पूंगा वही पाँच बजे आपकी गूगल ड्राइव में आ जाएगा तुम डिसिप्लिन से पूरी क्लासेस कंप्लीट क्लासे कर सकते हो लॉर ऑडिट की ये बैचेस कब तक खत्म हो गए सर सेवन्थ ऑफ मार्च तक लास्ट लास्ट खत्म हो जाएंगे सारे क्लासेस ओके सो दैट वॉज ऑल अबाउट इट और बस यही था तो पूरा डिस्कशन हो चुका है फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तुम लोग ये क्लासेस ऑलरेडी लिस्टेड है मेरे वेबसाइट पर आप परचेस कर सकते हो बैचेस जैसे आप बुक्स भी आपको मिल जाएंगी क्लासेस जैसे आप परचेज करोगे यू विल गेट द बुक्स और जैसे बैच स्टार्ट होगा फिर एक एक करके वन बाय वन त्रा तर त्रात्र अपने पढ़ते चले जाएंगे तो तुम अभी से चाहो तो परचेस कर सकते हो फाउंडेशन में इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट हाँ सर पास तो हो ही जाएंगे तो बिल्कुल क्लास परचेस करो बुक्स मिल जाएंगी एंड जस्ट अभी आज अपना कितना तारीख है आज आठ अक्टूबर है समझ लो फर्स्ट नवंबर के आसपास पास तो बैच चालू हो जाएगा और एकदम दना दन दना लाइन से हम लोग चलते चलेंगे पढ़ते चलेंगे एकदम अच्छा सॉलिड प्रिपरेशन होगा एग्जाम के लिए मैं क्लियर बोल रहा हूँ इससे बढ़िया प्रपरेशन कहीं नहीं हो सकता तुम अगर एफर्ट देने को तैयार हो पढ़ने को तैयार हो डिसिप्लिन हो तो तुमको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे इन टू फिफ्टी मार्क्स लॉ ऑडिट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ठीक है जाते जाते एक लास्ट बात है मुझसे कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमारा मे ट्वेंटी फाइव में, में एग्जाम है क्या हम ले सकते हैं हाँ आप भी ले सकते हो लाइव बैचेस में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सेवन्थ मार्च तक खत्म हो जाएगा तो इफ़ यू वॉन्ट मे 25 फाइव के स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं सी एम इंटर वालों का पूरा अलग क्लासेस है पूरा अलग उनका टाइम स्लॉट है जो मैं अलग से अनाउंस कर चुका हूँ उनका लाइव दो बजे होता है ठीक है एकदम डिफरेंट है सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लासेस एंड योर करियर थैंक यू